चलिए जी, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। और अन एकेडमी की हमारी इस क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं टीआर जैन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की क्लास में एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन इन द केस ऑफ शेयर्स। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोराटा अलॉटमेंट के बारे में, ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में कि किस तरह से अगर शेयर्स के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा तो एक शेयर होल्डर को प्रोराटा बेसिस पर किस तरह से शेयर अलॉट किए जाएंगे। ये सारी बातें आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आज की क्लास में मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँ उससे पहले मैं बता दूँ, आप मेरे साथ क्लास कर रहे हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर, जहाँ मैं आपके साथ लेकर आया हूँ एक चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक CA एग्जाम। बेटा ये हमारा YouTube चैनल है जहां हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें। हमारे इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा टॉपिक टू टॉपिक क्लासेस, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ बेहतरीन तरीके से करें। और मैं बता दूँ, मेरा नाम है तिलक राज जैन, TR जैन, और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस अकाउंट्स को लेकर के लास्ट 15 ईयर से भी ज़्यादा है, और मैंने वेरियस लेवल पर आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी को लेकर के बुक्स लिखी हैं, जिसका स्टडी मटेरियल मैं आपके साथ इस बैच में भी डिस्कस करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं बेटे कि अगर आपको मैं यहां जो अन अकेडमी के हमारे लेट्स क्रैक CA एग्जाम इस चैनल पर, इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वेरियस टॉपिक, लेकिन हम लोग यहाँ टॉपिक टू टॉपिक बात करने वाले हैं। हम यहाँ पूरा सिलेबस डिस्कस नहीं कर सकते हैं, रीजन बींग हमारे पास एक लिमिटेड स्लॉट्स रहते हैं। यहाँ मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ कि हमारा टीचिंग मेथड क्या है, किस तरह से हम आपके लिए काम करते हैं, किस तरह से हमारी क्लासेस होती हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आती है तो आप हमारा लर्निंग ऐप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर जाकर के आप जो है, मैं आपको बता दूँ, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर जाकर के आप जो है इसको डाउनलोड प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भी आपको बहुत सारे हमारे वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं, और अगर आपको CA फाउंडेशन का पूरा कोर्स, अकाउंट्स का पूरा कोर्स मेरे साथ डिस्कस करना है तो आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक के वेरियस प्लान्स हमारे पास जो है वो सब्सक्रिप्शन के हैं। बेटा मैं आपको बताऊँ, आपको कम से कम 12 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना चाहिए। ये आपको बड़ा फिजिबल होगा, आसान होगा, और एक बड़ी ही नॉमिनल फीस में ये आपको मिलता है। और मैं आपको बता दूं, ये सब्सक्रिप्शन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये CA फाउंडेशन एंड CA इंटरमीडिएट दोनों कोर्स के लिए रहता है। मतलब एक ही फीस में आप CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों ले सकते हैं। और अब बेटे अगर आप 24 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस सब्सक्रिप्शन में आपकी CA फाउंडेशन की पूरी क्लासेस हो जाएंगी, प्लस CA इंटरमीडिएट के भी बोथ ग्रुप आपके बड़े आसानी से इतने पीरियड में आप तैयार करके अपने एग्जाम पेपर दे सकते हैं। ये बड़ा ही नॉमिनल सा अमाउंट होगा। और मैं आपको बता दूं, ये जो फीस आपको दिखाई दे रही है, अगर आप इसमें तिलक राज कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर मैं आपके साथ बात करूं तो मेरा जो टॉपिक है बेटे उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और बेटे मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के वेरियस लेक्चर्स आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले भी देखे हैं। आज की जो मेरी क्लास है उसमें मैं आपके साथ टॉपिक जो डिस्कस करूंगा उसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ने में आम तौर पर डाउट रहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं ओवर सब्सक्रिप्शन का जो ये मेरा टॉपिक है ये बेटे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज की क्लास में। तो भाई आप एक काम करें, सबसे पहले एक नोटबुक बनाकर चलिएगा और मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कैसे अकाउंटिंग होगी। आप लिखिएगा ओवर सब्सक्रिप्शन इन द केस ऑफ शेयर कैपिटल। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहली बात ओवर सब्सक्रिप्शन को लेकर। बेटे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है। बेटा 12th क्लास में आप अकाउंट्स अगर पढ़ के आए हैं तो आपने इस टॉपिक को पहले से पढ़ा है। ओवर सब्सक्रिप्शन का जो ये टॉपिक है बेसिकली ये कहता है, आप मेरी बात को समझिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का जो ये टॉपिक है इसमें मैं आपको बता दूं ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या रहता है कि भाई अगर एक कंपनी अपने शेयर
आप मेरी बात सुनो, अगर एक कंपनी अपने शेयर पब्लिक को करती है ऑफर, एक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को करती है ऑफर, तो इन शेयर्स को ऑफर करने में, मैं आपको बता दूं, जो ये शेयर हम पब्लिक को ऑफर करेंगे, इन शेयर्स को ऑफर करने में पब्लिक की तरफ से सब्सक्रिप्शन आएगा। मान लीजिए मैंने 10,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए 100 रुपये वाले, इनका शेयर कैपिटल अमाउंट हो गया 10 लाख। अब क्या होगा, हम लोग इनका एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, इस तरह से कॉल करेंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी, ये सब हम लोग कॉल करेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए एप्लीकेशन मनी हमने कॉल किया 30 रुपी, अलॉटमेंट मनी कॉल किया 30 रुपी, फर्स्ट कॉल मनी कॉल किया 20 रुपी, सेकेंड कॉल मनी कॉल किया मान लीजिए 20 रुपी, टोटल अमाउंट हमने कॉल किया 100। एक बार के लिए मान लेते हैं, इस तरह से हमने कॉल किया। होता क्या है, जब हम लोग ये कॉल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पब्लिक से जो एप्लीकेशन आई, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आ गई और टोटल एप्लीकेशन आ गई 15,000, टोटल एप्लीकेशन आ गई 15,000। अब टोटल एप्लीकेशन आई 15,000, हमने क्या किया, इनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इनको भाई हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जो हमारे पास होती है जनरली, उसका नाम होता है बेटा फुल कैटेगरी। पहली कैटेगरी जो हमारे पास है उसे हम लोग नाम देते हैं बेटा फुल कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास आम तौर पर रहती है और जो सबसे ज़्यादा यूज़ में अपने को सीखनी है, उसका नाम होता है बेटा प्रोराटा कैटेगरी, जिसको प्रोपोर्शनेटली कैटेगरी भी हम लोग बोल सकते हैं। और थर्ड नंबर पर है बेटा निल कैटेगरी, थर्ड नंबर पर है निल कैटेगरी। तो भाई मान लीजिए, अगर मैं बात करता हूँ फुल कैटेगरी, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि मैंने 8,000 वाले ऐसे एप्लीकांट हैं जिनको 8,000 शेयर हमने कर दिए अलॉट, इसे हम लोग नाम दे देंगे फुल कैटेगरी। 8,000 वालों को अगर हमने 8,000 शेयर दे दिए, इसे हम लोग नाम दे देंगे फुल कैटेगरी। मान लीजिए 5,000 वालों को, या ये कह लीजिए और थोड़ा इजी कर देते हैं, मान लीजिए 3,000 वालों को हमने शेयर अलॉट कर दिए 2,000, इसे हम लोग नाम देंगे प्रोराटा कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी होगी जिसमें बचे हुए 4,000 वाले एप्लीकांट हैं, उनको हमने कोई शेयर अलॉट नहीं किया, उसे हम लोग नाम दे देंगे निल कैटेगरी। तो एक आ गई हमारे पास फुल कैटेगरी, एक हमारे पास यहाँ जो आ गई वो प्रोराटा कैटेगरी, और एक हमारे पास आ गई निल कैटेगरी। फुल कैटेगरी में क्या होता है, 8,000 वालों को 8,000 शेयर दे दिए, प्रोराटा वालों को हमने क्या किया 3,000 वालों को 2,000 दे दिए, और 4,000 वालों को हमने क्या कर दिया, निल कर दिया। ये वाली बात आप मेरे को बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या, बोलिए। 8,000 वालों को 8,000, 3,000 वालों को 2,000, और 4,000 वालों को हमने कर दिया निल। ये आएगा बेटा इस तरह से। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एक्सेस अमाउंट आया, उस एक्सेस अमाउंट को कैसे डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबसे पहले ये समझो कि कौन कौन सी कैटेगरी का नाम अलग अलग क्यों है। सबसे पहली बात, अगर आप बात करें फुल कैटेगरी, फुल कैटेगरी वो है जिसमें जितने एप्लीकांट होंगे उतने ही शेयर अगर मैं कर दूं आपको अलॉट, उसे हम लोग नाम दे देते हैं बेटा फुल कैटेगरी। नंबर टू प्रोराटा कैटेगरी, प्रोराटा कैटेगरी में एप्लीकांट हैं ज्यादा, अलॉटेड है कम, उसे हम लोग नाम दे देंगे प्रोराटा कैटेगरी। निल कैटेगरी, निल कैटेगरी में क्या होगा, एप्लीकांट है बट उनको शेयर अलॉट नहीं किए जाएंगे, उसे हम लोग नाम दे देंगे बेटा निल कैटेगरी। तो तीन कैटेगरी में हमारे शेयर हैं, फुल कैटेगरी, प्रोराटा कैटेगरी और निल कैटेगरी, तीन अलग अलग कैटेगरी हमारे पास बन के चलती हैं। सबसे पहले मेरे को ये बता दो, ये वाली बात क्लियर है क्या। अब देखिए, अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहली बात ये देखिएगा, मेरे पास यहाँ से मैं इसको डील कर रहा हूँ, ये देखो, ये जो फुल कैटेगरी वाले लोग हैं इनका नो एक्सेस मनी, कोई एक्सेस मनी नहीं आएगा, क्योंकि जो फुल कैटेगरी वाले हैं जितने एप्लीकेशन लगाएंगे उतने शेयर अलॉट कर देंगे, कोई एक्सेस मनी नहीं है। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप इसको 12th क्लास बेसिस पर पढ़ते हैं तो आप लोगों को वेरियस लेवल पर टीचर्स ने एक टेबल बना रखी होती है कि नंबर ऑफ कॉलम आपको बना करके टेबल बना कर चलना है। आपको मैं बता दूँ, अगर आपने मेरे साथ की बढ़िया से क्लास,
आपको टेबल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, मैं आपको टेबल से हटा के काम करवा दूंगा। सही बात है, आपको किसी तरह की कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देखिएगा, 8000 वालों को हमने 8000 अलॉट कर दिए, 3000 वालों को हमने दे दिए 2000, 3000 वालों को हमने दे दिए 2000। तो 3 वालों को जब मैंने 2000 दिए, तो अब ये देखिएगा 1000 शेयर की एप्लीकेशन, यहां अगर मैं बात करूं 30 रुपए के अकॉर्डिंग, इन कैटेगरी वालों का 30000 रुपए का अमाउंट मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। आप बोलोगे सर कैसे भाई, जिसने 3000 शेयर की एप्लीकेशन लगाई और अगर मैं उसको अलॉट करता हूं 2000 शेयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1000 शेयर का 30 रुपए के अकॉर्डिंग 30000 रुपए का अमाउंट आ गया है ज्यादा। और थर्ड कैटेगरी मेरे पास है, यहां कौन सी कैटेगरी है, निल। तो यहां क्या होगा, 4000 × 30, अगर हम लोग बात करें 120000 रुपए का अमाउंट, 4000 × 30, 120000 रुपए का अमाउंट ये हमारे पास थर्ड कैटेगरी वालों का आ गया एक्सेस। लेकिन ये कौन है, ये वो लोग हैं जो निल कैटेगरी वाले हैं, इनका कोई पैसा एक्स्ट्रा हमारे पास जो आया है वो हम रख नहीं सकते, इनको पैसे लौटाने पड़ेंगे, ये होंगे निल कैटेगरी वाले लोग। अभी आप मेरी बात को सुनो, तीन कैटेगरी मैंने बना दी, एक कैटेगरी का कोई एक्सेस नहीं है, प्रोराटा वालों का भी एक्सेस है और निल वालों का भी एक्सेस है। भाई साहब, निल वालों का जो एक्सेस है वो तो हमें रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि जिसको मैं शेयर अलॉट नहीं कर रहा हूँ उनके पैसे मैं रख ही नहीं सकता, उनके पैसे तो मेरे को लौटाने पड़ेंगे, उसे हम लोग नाम दे देंगे निल कैटेगरी का। तो भाई मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, पहली एंट्री जो मैं बनाकर चलूंगा उसका नाम है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे पास 15000 शेयर की एप्लीकेशन मनी 30 रुपए के अकॉर्डिंग, 4,50,000 रुपए, ये सबसे पहली एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,50,000, ये अमाउंट सबसे पहले आ जाएगा। नंबर टू हम लोग बनाएंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,50,000। टू, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप ये देखिए, एप्लीकेशन के 30 रुपए के अकॉर्डिंग हमें तो 10,000 शेयर्स के कितने रुपए चाहिए बेटा, 3,00,000 रुपए, तो ये चले गए आपके शेयर कैपिटल अकाउंट में। और जो एक्सेस अमाउंट आएगा उसका क्या करना है, तो भाई मैं आपको बता दूं, एक्सेस अमाउंट जो आएगा उसका कैसे करेंगे, जो निल कैटेगरी वाले लोग हैं जिनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया गया और इनके जो एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं बेटे, इनको तो अपन लोग क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे, 1,20,000 रुपये रिफंड कर देंगे, टू बैंक अकाउंट 1,20,000 रिफंड कर देंगे। और ये जो प्रोराटा कैटेगरी वाले लोग हैं, प्रोराटा कैटेगरी वालों के पैसे हमें लौटाने नहीं है, घर आई लक्ष्मी को लौटाना नहीं है भाई, 3000 वालों को हमने प्रोपोर्शनेटली 2000 दिए हैं, इसका मतलब प्रोराटा कैटेगरी, इसका मतलब ये नहीं है कि 3000 अलग अलग एप्लीकेशन आई, किसी को दिए किसी को नहीं दिए, ऐसा नहीं है। प्रोराटा का मतलब प्रोपोर्शनेटली होता है, 3000 वालों को 2000 शेयर अलॉट करने का मतलब 3:2 है बेटा, जिसने 3 शेयर के लिए एप्लीकेशन लगाई उनको कितने शेयर अलॉट हुए, 2 शेयर अलॉट हुए, ये मतलब है। 3 वालों को कितने शेयर अलॉट हुए बेटा, 2 शेयर अलॉट हुए, ये मतलब है। तो 3:2 में अगर शेयर अलॉट हुए हैं तो भाई उस सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनेगा, 3 वालों के एप्लीकेशन आई है, 3 जिनके एप्लीकेशन आई है उनको 2 अलॉट करेंगे, तो भाई आप लोगों का जो एक्सेस अमाउंट आया वो हम लोग एडजस्ट कर देंगे अगली कॉल में। यानी कि मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं आपको एक वर्किंग करके दिखा दूं और आप मेरी बात को समझें बढ़िया लेवल पर, तो बात समझ में आ जाएगी और मज़ा आ जाएगा, आप सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। देखो भाई, ये चीज़ इस तरह से है, आप मेरी बात को सुनो, जो पर्संस हमारे पास 3000 शेयर्स की एप्लीकेशन लेकर आए, एप्लीकेशन मनी लेकर आए 30 के अकॉर्डिंग, तो वो लोग हमारे पास लेकर आए 90,000 रुपये। हमने उनको बोला कि भाई हमारे पास आपको देने के लिए 3000 शेयर नहीं है, हमारे पास आपको देने के लिए 2000 शेयर हैं, जिनका एप्लीकेशन मनी 30 के अकॉर्डिंग हम लोग रख लेंगे 60,000। इसका मतलब ये हो गया
कि 30,000 का अमाउंट हमारे पास आप लोगों का एक्स्ट्रा आ गया। आप चाहें तो ये लौटा सकते हैं, लेकिन हम इसको लौटाने की बजाय क्या करेंगे, अभी तक तो आपका सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट ही तो आया ना। अब देखो 3,000 वालों को अगर हमने 2,000 शेयर अलॉट कर दिए, पैसा 2,000 की एप्लीकेशन का एडजस्ट हो गया और हमारे पास एक्सेस अमाउंट आप लोगों का आ गया है 30,000 रुपीस। लेकिन आप हमें ये बता दो, क्या इन 2,000 शेयर जो हमने आपको किए हैं अलॉट, इन 2,000 पर इन फ्यूचर हमने आपसे 2,000 पर इन फ्यूचर अलॉटमेंट के पैसे कॉल नहीं करने? अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन ही आया बेटे, अलॉटमेंट के पैसे भी तो आने। इन्हीं 2,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल का 20 रुपये ये भी तो आने, इन्हीं 2,000 शेयर पर अलॉट सेकंड कॉल का 20 रुपये भी तो आने। दिमाग लगाओ बेटा, जो 3,000 के एप्लीकेंट को मैंने 2,000 शेयर अलॉट किए, अभी तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई है ना, आपके एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करके 1,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी हमारे पास 30,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गई। एक काम करो, ले जाओ अपने पैसे, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ, हो गया फारिक, एक बार के लिए फारिक। लेकिन आपको 3,000 वालों को 2,000 शेयर दिए हैं ना, इन फ्यूचर आप सोचो, इन फ्यूचर अब अलॉटमेंट की जब बारी आएगी, सबसे मंगवाएंगे तो आपसे नहीं मंगवाएंगे 2,000 शेयर पर अलॉटमेंट मनी 30 रुपये के अकॉर्डिंग, कितना मंगवाएंगे 60,000। बोलो 2,000 शेयर पर 20 के अकॉर्डिंग 40,000 रुपये नहीं मंगवाएंगे फर्स्ट कॉल के? 2,000 शेयर पर फर्स्ट सेकंड कॉल के 20 रुपये के अकॉर्डिंग 40,000 रुपये नहीं मंगवाएंगे? इसका मतलब ये कि जो पैसे आपके हमारे पास एडवांस आ गए, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो रिटर्न ले लो, पर आपकी मर्जी है, चाहे तो आप उसको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में एडजस्ट कर दो। अब आपकी एक्सेस मनी तो केवल कितनी है 30,000, और हमने अगर मैं इसी कैटेगरी की बात करूं, अकेले अलॉटमेंट पर कितने पैसे कॉल करने 60,000। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, प्रोराटा कैटेगरी वालों के जो पैसे एडवांस आ रखे होते हैं उनको रिटर्न करने की बजाय हम उनको एडजस्ट कर देते हैं नेक्स्ट कॉल्स में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ भी मैंने क्या किया, अब आपको शायद मेरी बात समझ में आ रही हो कि भाई जिसने प्रोराटा कैटेगरी में शेयर अलॉट हुए थे उनका जो एक्सेस अमाउंट आया रिटर्न करने की बजाय नेक्स्ट कॉल में जा सकता है। आपको सिर्फ कंफ्यूजन ये है कि सर नेक्स्ट कॉल का मतलब केवल अलॉटमेंट में जाएगा, फर्स्ट कॉल में भी जाएगा, सेकंड कॉल में भी जाएगा, किस में कितना जाएगा, ये आपका डाउट है। इसका जवाब बेटा एक सीधा सा है, हमें ये डिपेंड करेगा कि एक्सेस अमाउंट आया कितना है। जो स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है इसमें आप लोगों का एक्सेस अमाउंट आया 30,000 रुपीज प्रोराटा कैटेगरी वालों का, और उस कैटेगरी में शेयर अलॉट है 2,000। एक बात पकड़ लो कि भाई एक तो एक्सेस मनी उस कैटेगरी में कितना आया, और दूसरी बात ये देख लो कि उसमें नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने हैं। हमने देखा कि उसमें नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड है 2,000, तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 2,000 है, तो एक बात बताओ, अलॉटमेंट मनी 30 के अकॉर्डिंग 60,000 कॉल नहीं करेंगे, फर्स्ट कॉल मनी 20 के अकॉर्डिंग 40,000 कॉल करेंगे, और सेकंड कॉल मनी 20 के अकॉर्डिंग 40,000 कॉल करेंगे। तो ये बात है ना भाई, तो ये एक्सेस अमाउंट केवल 30 है, इसमें से सारा का सारा पैसा मैं किस में एडजस्ट करने वाला हूँ, केवल अलॉटमेंट में। क्यों? क्योंकि अमाउंट आपका एडवांस सिर्फ 30,000 है और मेरे को अलॉटमेंट पर 60,000 का एक अमाउंट कॉल करने की परमिशन है। तो आपका जो एडवांस अमाउंट है ये सारा का सारा कहाँ एडजस्ट हो पा रहा है, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो पा रहा है। आज की क्लास आप करते जाओ वेरियस बैक टू बैक, मैं आपके साथ 2-3 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करूंगा जिसमें अलग अलग कंसेप्ट आपके साथ आने वाले हैं। क्लास में बने रहे, मैं आपको बनाने वाला हूँ बहुत बढ़िया वाला टॉपिक। तो ये देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पहली एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकेंड एंट्री बनाऊंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मेरे को जितने पैसे चाहिए थे 3,00,000 आ गए। जो ये नील कैटेगरी वाले हैं इनके पैसे लौटा दिए, और जो प्रोराटा वाले हैं इनके पैसे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इन लोगों के जो ये पैसे हैं ये किस में चले गए भाई, अलॉटमेंट में चले गए। ये लो जी, इनको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री मैंने बना दी। अभी आप मेरी बात को सुनो, उसके बाद बेटे मैं क्या करूँगा, ये देखो आप एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आप पूरी बात सुनना बेटे,
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट के नाम पर मैं कितने पैसे ड्यू करूंगा ये देखो आप जरा। अलॉटमेंट मनी कितनी है बेटे आपकी, 30 रुपये, और अलॉटमेंट मनी 30 रुपये और नंबर ऑफ शेयर आपके 10,000 है, तो 10,000 × 30 अगर आप करते हो तो कितना अमाउंट बन गया बेटे, 3 लाख। यानी अलॉटमेंट के नाम पर कितना अमाउंट ड्यू करेंगे बेटे, 3 लाख। अलॉटमेंट के अमाउंट नाम पर ड्यू करेंगे 3 लाख। रिसीव अगर करेंगे तो एंट्री क्या बना दीजिए, एंट्री बना दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, एंट्री बना दीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का जब अमाउंट रिसीव होगा, मैं आपको याद करा दूं एडवांस में मेरे पास कितने रुपए पड़े हैं, 30,000 रुपये पड़े हैं। इसका मतलब 3 लाख रुपये जो आने थे उसमें से 30,000 एडवांस है, तो नेट 2,70,000 रुपये का अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू किया, अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव कर लिया 2,70,000। इतना काम करने के बाद मेरे को ऐसा लगता है अब आपका काम आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल अमाउंट जब आप ड्यू करोगे, स्क्रीन पर देखो फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करोगे तो 20 रुपये के अकॉर्डिंग 10,000 शेयर पर ड्यू करोगे पूरे 2 लाख। रिसीव करने में कोई तकलीफ है ही नहीं, पूरे 2 लाख रिसीव हो जाएंगे। ये देखो, क्योंकि जो एडवांस था वो मैंने एडजस्ट कर दिया। ये देखिए, अगर मैं फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करता हूँ, एंट्री बना दूंगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे फर्स्ट कॉल का अमाउंट 20 रुपये के अकॉर्डिंग अगर ड्यू करेंगे तो 10,000 × 20 ड्यू करेंगे पूरे 2 लाख, ड्यू करेंगे पूरे 2 लाख। ये लीजिए, ड्यू करेंगे 2 लाख रुपये, और रिसीव करने की बारी आई तो एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बेटा फर्स्ट कॉल का अमाउंट अगर रिसीव करेंगे तो ये पूरा 2 लाख रुपये का अमाउंट आपका रिसीव हो जाएगा। फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव करेंगे तो ये पूरा 2 लाख रुपये का अमाउंट रिसीव हो जाएगा। इसी तरह से अगर अपन लोग बात करेंगे सेकेंड कॉल की, तो ये देखिएगा शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, एंट्री बना देंगे शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड कॉल भी 20 रुपये के अकॉर्डिंग ड्यू करेंगे तो 2 लाख रुपये, सेकेंड कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे तो 2 लाख रुपये, और बेटे सेकेंड कॉल का अमाउंट रिसीव करने की बारी आएगी तो एंट्री बना दो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। सेकेंड कॉल का ये 2 लाख रुपये का जो अमाउंट है बेटे, ये रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। 2 लाख रुपये का जो अमाउंट है ये आपका रिसीव हो जाएगा। ये वाली बात आप मेरे को बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? बोलिए, इतना आपको समझ में आ रहा है? चलो, इतना काम करने के बाद अगर बेटे मैं आपके साथ करता हूँ कुछ इलस्ट्रेशन मटीरियल में से डिस्कस, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और नोट करवाता हूँ, उसकी प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में आपको करके दिखाता हूँ, ओवर सब्सक्रिप्शन आपको उससे क्लियर होगा और बढ़िया। चलिए मैं 2-3 एग्जांपल करवा दूंगा ना, मेरे को लग रहा है आप लोगों को ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छे लेवल पर क्लियर हो जाना चाहिए। तो चलिए फिर एक बार मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ एक एग्जांपल। आप देखिएगा, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, आप नोट कर लो, मैं आपको पूरा एग्जाम्पल नोट करवा दूंगा। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उन्होंने क्या किया, 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये अमाउंट 2 लाख रुपये वाले, ये हमने एप्लीकेशन जो है वो पब्लिक को ऑफर करना है। ये बोलते हैं एप्लीकेशन मनी हमारे पास आई है 3 रुपये, अलॉटमेंट मनी अमाउंट आया है 2 रुपये, फर्स्ट कॉल मनी अमाउंट है 2.5 और सेकंड कॉल मनी अमाउंट आया है 2.5, टोटल अमाउंट आएगा बेटा 10।
ये टोटल अमाउंट हमारे पास आना है जी। ये बोलता है पब्लिक से जो हमारे पास एप्लीकेशन आ गई वो 30,000 शेयर्स के लिए आ गई। पब्लिक से जो एप्लीकेशन आ गई वो 30,000 शेयर्स के लिए आ गई और अलॉटमेंट ऐसे किया गया 8,000 वालों को हमने अलॉट किए हैं फुल। मतलब मैं लिख देता हूँ, 8 वालों को फुल अलॉट किए हैं, इसका मतलब 8 वालों को हमने 8,000 शेयर अलॉट कर दिए। नंबर टू, 16,000 वालों को हमने अलॉट किए हैं 12,000 शेयर्स और 6,000 वालों को हमने किए हैं निल। 6,000 वालों को हमने किए हैं निल, उनको कोई शेयर अलॉट नहीं किया। ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव, आपको एंट्री बनानी है। अब एक बात सोचिए, अगर आपको लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपको पहली बार में सॉल्व हो जाना चाहिए। आप मेरे को एक बात बता दो सब लोग फटाफट से। आप ये देखो, इस कैटेगरी वालों का 8,000 वालों को 8,000 अलॉट किए, नो एक्सेस मनी, नो एक्सेस अमाउंट, कोई एक्सेस अमाउंट इसका नहीं आया है। 16 वालों को हमने कितने दिए हैं 12, 16,000 वालों को 12,000 दिए। आप ये कह सकते हो कि इनका 4,000, यहां लिख रहा हूं इनका 4,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितनी है 3। मैं ये कह सकता हूं कि भाई इनके मेरे पास 12,000 रुपए एडवांस आ गए। और जो निल कैटेगरी वाले हैं 6,000, इनके 6,000 इंटू 3, इनके 18,000 मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए। ये तीन कैटेगरी है मेरे पास, एक मेरे पास है निल कैटेगरी, सॉरी फुल कैटेगरी, एक मेरे पास है प्रोराटा कैटेगरी और एक मेरे पास है निल कैटेगरी। तीन कैटेगरी मेरे पास है। अब आप मेरी एक बात समझो, पहले नंबर पर हम लोग एक एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 3 रुपए के अकॉर्डिंग 90,000 रुपए ये हमारे पास आ गए। नंबर टू क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन के पैसे जाएंगे कैपिटल में, तो लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आप ये बताओ एप्लीकेशन के कितने पैसे कैपिटल में जाने चाहिए। तो अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन के जाने चाहिए, आप ये देखिएगा 20,000 इंटू 3, हमें चाहिए थे एप्लीकेशन से कैपिटल में 60,000, ये अमाउंट चला गया। एप्लीकेशन से कैपिटल में अमाउंट जाएगा 60,000, ये अमाउंट चला गया, सही बात। एक्सेस अमाउंट जो है उसका क्या करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, एक तो एक्सेस अमाउंट है प्रोराटा वालों का और एक एक्सेस अमाउंट है निल वालों का। तो निल वालों का तो क्या करना चाहिए, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 18,000 का जो अमाउंट है वो हम लोग कर देंगे रिफंड, टू बैंक अकाउंट 18,000 हम लोग कर देंगे रिफंड। और जो प्रोराटा वालों का अमाउंट है 12,000 रुपए, आप मेरे को ये वाली बात बताओ, क्या ये पैसे हमें रिफंड करने चाहिए? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं, ये पैसे हमें एडजस्ट करने हैं अलॉटमेंट और कॉल में। तो भाई मैं आपको एक सबसे जेन्युइन तरीका बताता हूँ आपको क्या करना होता है, ध्यान से सुनना। 16 वालों को शेयर अलॉट कितने दिए हैं 12,000, आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। 16 वालों को अलॉट 12 किए, बस इतना समझना है। इसका मतलब ये बता दो, देखो ये हाईलाइट जो कर रहा हूँ, इस कैटेगरी में शेयर अलॉट कितने हुए हैं भाई, 12,000 अलॉट हुए हैं। इस कैटेगरी में अगर 12,000 अलॉट हुए हैं, तो एक बात बताओ, इस कैटेगरी वालों से इन फ्यूचर अलॉट 12,000 हुए हैं, तो अलॉटमेंट मनी 12,000 पर ही कॉल करूंगा। इन शेयर पर फर्स्ट कॉल मनी 2.5 के अकॉर्डिंग कॉल करूंगा, इन शेयर पर सेकंड कॉल मनी 2.5 के अकॉर्डिंग कॉल करूंगा। तो 12,000 इंटू 2, 24,000 तो आ गए इनके अलॉटमेंट में। 12,000 इंटू 2.5 फर्स्ट कॉल के आ गए 30,000 और 12,000 इंटू 2.5 सेकंड कॉल के आ गए 30,000। ये मतलब है इतने पैसे गए अलॉटमेंट में, इतने पैसे गए फर्स्ट कॉल में और इतने पैसे गए सेकंड कॉल में, ये अमाउंट आ गया। आप मेरे को ये वाली बात बता दो, ये क्लियर है क्या, सही है? चलो मैं क्या करने वाला हूँ, आप मेरी बात को समझिए। 6,000 वाले जो हैं जिनको मैंने निल कर दिया,
इनके पैसे तो मैंने लौटा दिए 18,000, और जो प्रोराटा वालों के 12,000 एडवांस पड़े हैं उन कैटेगरी वालों से इन फ्यूचर अलॉटमेंट पर अकेले कितने पैसे कॉल करने हैं? 24। फर्स्ट कॉल में करने हैं 30 और सेकंड कॉल में भी करने हैं 30। तो भाई आप ये देखो, जो आपकी एक्सेस अमाउंट है ना, इस एक्सेस अमाउंट में से पहले 24,000 रुपये तक अलॉटमेंट में जा सकते हैं, अगले 30 फर्स्ट कॉल में, अगले 30 सेकंड कॉल में, उसके बाद भी एक्सेस बचता तो रिफंड का नंबर आता, ये प्रोसीजर होता है। अब आपके पास एक्सेस अमाउंट ओनली 12,000 है, तो भाई ये जो एक्सेस अमाउंट है ये सारा का सारा मैं किस में लेकर जा रहा हूँ? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये सारा का सारा अमाउंट मैं किस में लेकर जा रहा हूँ? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक्सेस अमाउंट को मैं अलॉटमेंट में लेकर जाऊंगा, कितना अमाउंट है जी? 12,000 रुपये। ये लो जी, ये मैं लेकर गया आपका अलॉटमेंट में। ये वाली बात आप मेरे को बता दो, ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? चलो, इतनी वर्किंग करने के बाद फिर मैं क्या करने वाला हूँ? फर्स्ट कॉल, सॉरी अलॉटमेंट मनी, नेक्स्ट एंट्री बनाऊंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे अलॉटमेंट की अमाउंट है 2 रुपये, 20,000 शेयर इंटू 2, अगर ड्यू करेंगे 40,000, 20,000 इंटू 2 ड्यू करेंगे 40,000, ड्यू करेंगे 40,000, सही है। रिसीव करने की जब बारी आई, एंट्री बना दो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट के 40,000 आने थे बेटे, और अलॉटमेंट के पहले से कितने आ रखे हैं? 12,000 रुपये आ रखे हैं। मैं फिर से बता दूं, अलॉटमेंट का 20,000 शेयर पर अलॉटमेंट के 2 रुपये के अकॉर्डिंग 40,000 ड्यू कर दो, 40 में से 12,000 रुपये छोड़ करके बाकी 28,000 ये आपके पास रिसीव हो जाएंगे। ये वाली बात आप मेरे को बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर है? उसके बाद अमाउंट ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल का। ये देखिए, एंट्री बना देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे, ये देखिएगा, फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे 2.5 रुपये के अकॉर्डिंग, 20,000 शेयर इंटू 2.5, कितना अमाउंट ड्यू करेंगे? 50,000, 20,000 इंटू 2.5, ये ड्यू करेंगे 50,000। रिसीव करेंगे, एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये अमाउंट ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे 50,000, ये अमाउंट आपका रिसीव हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड कॉल, 2.5 रुपये के अकॉर्डिंग ड्यू करेंगे सेकंड कॉल का भी 50,000, करो एंट्री, सेकंड कॉल का भी ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। अब कुछ है ही नहीं इसमें, सिंपल एंट्री बनानी है, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, लिख लो सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकंड कॉल को फाइनल कॉल भी लिख सकते हो आप, फाइनल कॉल ही लिखिएगा आप, चाहे इसको फाइनल कॉल ही लिखिएगा। फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे 50,000, फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे 50,000, रिसीव करेंगे तो एंट्री बना दो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये लो जी, 50,000 का जो अमाउंट है ये हमें रिसीव हो जाएगा फाइनल कॉल। एक एक करके इस तरह से एंट्रीज जो है वो आप बना सकते हैं। इसमें अगर आपका कोई डाउट या कंफ्यूजन है आप मेरे को बता दो, कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है, चलो ये बढ़िया बात है। इसके बाद अगर मैं इससे आगे की बात करूं तो ये देखिए बेटे, ये सब मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको डील करना है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है अभी मेरे को प्रैक्टिस में एक दो क्वेश्चन और करवाने की जरूरत है शायद, जिससे आपका और ये बढ़िया कमांड पे आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन और मैं बढ़िया लेवल पे आपको करवा दूंगा, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ, आप जरा नोटबुक निकालें
और मैं आपके साथ नोटबुक में ही एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे प्रोराटा अलॉटमेंट को लेकर के आपका डाउट कतई दूर हो जाएगा, बिल्कुल आपका 100% कॉन्फिडेंस आपका जो है वो आ जाएगा। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, सही है, और इस कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए हैं 10 ईच। मैं क्वेश्चन जो है वो लिख रहा हूँ, इस कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए 10 ईच, अमाउंट जो है एप्लीकेशन का है 2.5, अलॉटमेंट का है 2.5, फर्स्ट कॉल का है 2 और सेकंड कॉल का है 3, टोटल अमाउंट है 10, ये अमाउंट आएगा। ये कहता है एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है 1,00,000 शेयर के लिए, एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है 1,00,000 शेयर के लिए और अलॉटमेंट ऐसे किया गया 42,000 को अलॉट किए गए 42,000 शेयर्स, 30,000 वालों को अलॉट किया गया 8,000 शेयर्स और 28,000 वालों को कर दिया गया निल, कोई अलॉटमेंट नहीं दिया गया, ये हमें बोला गया। एक्सेस मनी पेड टुवर्ड ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, एक्सेस मनी को कॉल्स में और अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा हमें लिखा हुआ है। तो भाई मैं अगर इसकी बनाना स्टार्ट करूं आपके लिए जर्नल एंट्रीज, तो आप सबसे पहले एक बात को समझ लो, पहली एंट्री क्या बनाऊं, फटाफट से बोलो, फर्स्ट एंट्री क्या बनाऊं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटे एप्लीकेशन 1,00,000 शेयर पर 2.5 के अकॉर्डिंग 2,50,000 ये हमें रिसीव हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन के नाम पर 2,50,000 हमें रिसीव हो जाएगा, समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद मैं क्या करूंगा सुनो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट एंट्री बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन के जो 2,50,000 रुपए हैं उसमें से कौन कौन से पैसे कहां कहां जाएंगे सुनो। अपन ने 50,000 शेयर्स पब्लिक को अलॉट करने थे, 50,000 इंटू 2.5, 1,25,000 रुपए का अमाउंट आपका शेयर कैपिटल में चला जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये अमाउंट आ जाएगा बेटे 1,25,000 रुपए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,25,000 रुपए का अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया उसका क्या करेंगे सुनो, हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट इन कैटेगरी वालों का तो नहीं है, इस कैटेगरी वाले का है भाई साहब, बड़ा ध्यान से, 22,000 शेयर्स की एप्लीकेशन 2.5 के अकॉर्डिंग 55,000 रुपए, 55,000 ये अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। और ये जो निल कैटेगरी वाले हैं इनका 28,000 इंटू 2.5 ये वाला अमाउंट भी 70,000 रुपए ये हमारे पास एडवांस आ गया। तो भाई जो निल कैटेगरी वाले हैं, सॉरी फुल कैटेगरी वाले हैं, उनका तो कोई एक्सेस अमाउंट आया नहीं है, और जो निल कैटेगरी वाले हैं ये देखो टू बैंक अकाउंट, उनका 70,000 मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया, यहां देखो आप, सही बात है ना। अब बचा किसका, इस कैटेगरी वालों का, और भाई साहब इस कैटेगरी के लिए तो मैंने क्वेश्चन बनवाया है, आप मेरी बात को सुनो ध्यान से। देखो सबसे पहली बात क्या है, 30 वालों को कितने शेयर अलॉट किए भाई, 8,000 शेयर अलॉट किए, तो 8,000 इंटू अगर आप करेंगे इन फ्यूचर अलॉटमेंट के 2,50 रुपए के अकॉर्डिंग हम ड्यू करेंगे 20,000, 8,000 इंटू फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे 16,000, 8,000 इंटू सेकेंड कॉल का ड्यू करेंगे 24,000। अब पूरी बात सुनो, और इस कैटेगरी वालों का एडवांस आ कितना रखा है, 55, तो 55 में से पहले 20,000 तक आपके गए अलॉटमेंट में, ये लो जी 2,
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एक्स्ट्रा वाले पैसे पहले 20,000 रुपये गए अलॉटमेंट में, मेरी पूरी बात सुनो, गए ना, हो गया अमाउंट। उसके बाद भी अभी भी कितना है एडवांस पड़ा है, 35, 55 था, 20 एडजस्ट हुआ, 35 बच गया। अगले 16,000 रुपये गए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये लो जी इसमें गए, अभी भी है एडवांस बचा हुआ है टू शेयर फाइनल कॉल या सेकंड कॉल अकाउंट, बचे हुए 19,000, 19,000। आप बोलोगे 19 कहां से आ गया सर? अरे भाई 55 में से 24, 20 तुमने यहां एडजस्ट कर दिए, अगले 16 तुमने यहां एडजस्ट कर दिए, 20 और 16 कितने हो गए, 36। 55 में से 36 गया तो कितना बच गया, 19,000, वो आपका किस में आ गया बेटे, फाइनल कॉल में आ गया। इस तरह से एंट्री बनाएंगे, अगर आपका डाउट है तो मेरे को बताइए, सही बात है ना, आ गया समझ में। अब एक बात बताओ, अगर आपको ये क्लियर है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो आप अलॉटमेंट का 50,000 इंटू अलॉटमेंट मनी 2.5, अब मैं ड्यू करूंगा 50,000 इंटू 2.5, ड्यू करूंगा 1,25,000। अब आप मेरे को लगता है आप मेरे को पूरा क्वेश्चन करवा देंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे 1,25,000 रुपये का अमाउंट, रिसीव करेंगे ना, एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट के एडवांस कितने आ रखे हैं, 20,000, तो कितना नेट अमाउंट आएगा, 1,05,000 रुपये का अमाउंट नेट हमें रिसीव हो जाएगा। ये वाली बात बताओ, ये वाली बात क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूंगा शेयर सेक फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो कितना आएगा, 2 रुपए के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे, 50,000 इंटू 2, कितना अमाउंट ड्यू करेंगे, 1,00,000 रुपए, फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे 1,00,000 रुपए, रिसीव करेंगे एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, रिसीव करेंगे 1,00,000 में से एडवांस कितना रखा है, 16,000, वो छोड़ दो 84,000 नेट हमें रिसीव हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड कॉल का अगर ड्यू करेंगे, एंट्री बनाएंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे 3 रुपए के अकॉर्डिंग, 1,50,000, सेकंड कॉल का ड्यू करेंगे 3 रुपए के अकॉर्डिंग 1,50,000, रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये जो 1,50,000 है इसमें से 19,000 रुपए हमें रिसीव हो चुके हैं, तो 1,31,000 ये नेट अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा। तो बेटे आपको सबसे पहले क्या समझ लेना है कि 1-to-1 चीजें कैसे डील होंगी, वो मैंने आपको बता दिया। अब सब लोग मेरे को ये बताओ, ये डन है क्या, बोलो, इतना मैं मान लूं ये डन है बिल्कुल? चलो फिर, इतना अगर आपको समझ में आ रहा है बेटे तो मेरे साथ आप बने रहें, अगली क्लास में मैं फिर से आपके साथ लेकर आऊंगा फॉर फ्यूचर का टॉपिक, मैं आपको बताऊंगा एक कंपनी अपने शेयर कैसे फॉरफिट करती है अगर इशू किए हों एट पार या इशू किए हों एट प्रीमियम,
किस तरह से शेयर को फॉरफिट किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।